ये बाहर का एरिया है इसका इस तरीके का, पूरा फ्लैट फाइनल हो चुका है, पूरा दिन लग गया इसमें। थोड़ा सा शाम का एरिया है, लाइटिंग थोड़ी ऑन हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आईके इलेक्ट्रिकल में। आज हम सीखेंगे फ्लैटों की वायरिंग किस तरीके से होती है, कैसे करते हैं, उसमें एसी के पॉइंट कितने पॉइंट होते हैं एक रूम में, गीज़र में कितने पॉइंट होते हैं, ए टू जेड हम सब सीखेंगे इस वाली वीडियो में। तो मैं आपको फ्लैट बता देता हूँ कैसे कैसे पॉइंट हैं, कहाँ पर क्या क्या पॉइंट हैं और कैसे लोकेशन होती है पॉइंटों की। यह आपका फ्लैट है, एक डाइनिंग हॉल एरिया है, गेट के जस्ट बगल में आप डोर से निकलते हो उसके बगल में आपका एमसीबी बॉक्स आता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहते हैं, और ये इसमें ऑलरेडी पहले से जो डली भी होती है ना फिक्स वायर और जीआई भी कहते हैं, ये इसमें पहले ही डाल देते हैं जब कंडक्ट करते हैं। इस तरीके का आपका फ्लैट है, मैं सोच रहा हूँ आपको फ्लैट दिखा दूँ कितना अच्छा दिखता है। और ये टावर बनने हैं, सेवियर पार्क नाम से टावर है ये मोहन नगर में। ये व्यू इस तरीके का है जिसमें आज हम वायरिंग करेंगे, वो आपको ज़्यादा न घुमा के सीधा उसी फ्लैट में ले चलता हूँ, उसी रूम में ले चलता हूँ। ये आपका रूम है, हम जब भी वायरिंग स्टार्ट करते हैं फ्लैटों में कोने वाले फ्लैट से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सबसे कोने में आता है, सबसे कोने का रूम है। आपने गेट से इंटर करा, जस्ट आपका एक मेन बोर्ड आ गया है, इससे आपका सब कंट्रोल होगा, फैन लाइटिंग सब। इसमें हर फ्लैट में दो जैक्सन बिठाए जाते हैं लाइट के लिए, एक एरा आपका, दूसरा एरा। फिर एक दो पॉइंट और होते हैं, एक आपका एरा तीन मॉडल का और एक दो मॉडल का। ये तीन मॉडल का जो होता है ये स्विच सॉकेट के लिए होता है, और ये दो मॉडल का जो होता है ये टेलीफोन की वायर आती है इसमें उसके लिए होता है। फिर और पॉइंट होते हैं, ये एक पॉइंट और है, ये होता है टीवी के लिए, उसके जस्ट बगल में टीवी के जस्ट बगल में टू मॉडल का और होता है, ये इसलिए होता है जिसमें आपकी डिश की केबल आ जाए, और ये आपका टीवी के लिए। उसके नीचे नीचे होता है पाँच तीन का बक्सा, अगर आपको दिखे नीचे कहीं तो वो एसी के लिए लगा रहता है, एसी का आउटडोर जो होता है, एसी का आउटडोर चलाने के लिए, मतलब एसी के लिए एक भार लगा रहता है, आपको दिख रहा होगा टू मॉडल का। और बालकनी पे एक जैक्सन हो गया, और इसी तरीके से ये जो होल हो रहा है ये एसी की पाइपिंग जो होगी ना, एसी मान लो आप यहाँ लगेगा तो उसकी पाइपिंग सारी बाहर जाएगी, और वो बक्सा जो टू मॉडल का मैंने बाहर दिखाया था वहाँ उसका सॉकेट लगेगा और यहाँ से ऑन ऑफ होगा इस तरीके से। अब हम बाथरूम में चलते हैं, बाथरूम में दिखाते हैं आपको कितने पॉइंट हैं। एक जैक्सन और आपका ये एडजस्ट फैन के लिए दूसरा जैक्सन, दो जैक्सन हो गए इसमें, और डोर से जस्ट साइड में ही आपका मेन बोर्ड हो गया, और एक बोर्ड ये है थ्री मॉडल का, ये आपका गीजर के लिए, गीजर का डायरेक्ट आता है इसकी जिया यहाँ पर। हम वायरिंग करते वक्त आपको दिखाएंगे किस तरीके से वायरिंग करी जाती है, कैसे होता है। ये आपका रूम है पूरा, मैंने आपको पॉइंट समझा दिए, पॉइंट कितने हैं इसमें, एक दो तीन, एक बोरा चार पाँच छः सात आठ, इस तरीके के ही सारे फ्लैट में रूट होते हैं, इस तरीके से ही सारे फ्लैट में जितने भी फ्लैट आपको मिलेंगे पॉइंट इस तरीके से ही होते हैं, बस उनकी हाइट कम ज़्यादा हो जाती है या एक आध बढ़ जाते हैं छोटे हो जाते हैं। या आप देख सकते हो स्विमिंग पूल कितना अच्छा लग रहा है, इसमें भी लाइटिंग लग रही है स्विमिंग पूल में, आपको दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हो आप लाइटिंग लग रही है, रात को जलती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। इस तरीके का ये है, हम बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट वायरिंग की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी के जो है पॉइंट खींचेंगे। अब एसी का पॉइंट जो वायर है एसी के, वो कैसे खींचेंगे, इसकी जीआई आपको ये दिख रही होगी आपको एरी। अब ये जो जीआई जो जा रही है ना, एसी का रूट डायरेक्ट होता है, ये जीआई जो जा रही है ना आपकी, ये डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स पर जा रही है इस तरीके से यहाँ पे। अब वो हिलाएंगे, वो यहाँ पे हिलेगी, हिला के हम चेक करते हैं, अब देखते हैं हम कैसे चेक करते हैं। हिलाओ शैलेंद्र भाई, अब देखो आप ये जीआई हिलेगी, देख रहे हो आप ये कहाँ से हिल लिए, बस रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ से हिला रहे हैं। मैंने आपको बताया था जीआई फिक्स वायर पहले से ही डली भी होती है ऑलरेडी, हमें सिर्फ वायर बांधना और खींचना। हमारे शैलेंद्र भाई ये इस जगह से हिला रहे थे, ये रही मैंने आपको बताई थी जीआई डायरेक्ट आपके एमसीबी बॉक्स में जा रही है, हमें क्या करना है इसमें वायर बांधना और खींचना है। अब हम वायर बांधेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा वायर बांधेंगे और क्या क्या वायर बांधेंगे। इसमें 4 mm के वायर बांधेंगे एसी के लिए, हम रेट ले लेते हैं, इसके रेट दिखा देता हूँ आपको पहले।
4 mm का इसका रेट देखो आप कितना है, 14,000 रुपये का वायर। इतनी सैलरी नहीं है हमारी महीने भर की। इसमें 4 का डलेगा और 2.5 का डलेगा अर्थिंग का। इस तरीके से वायर डलेंगे, हमने 3 वायर ले लिए हैं इसी के लिए। आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका फेस हो गया, ये अर्थिंग हो गया। ये दोनों 4 mm के और ये आपका 2.5 mm का है। ये हम एसी का पॉइंट खींच रहे हैं। एसी के हम ना डायरेक्ट डालते हैं, उसका रूट जो होता है ना डायरेक्ट डालते हैं। मतलब जितने भी पावर के आपके सर्किट होंगे ना वो डायरेक्ट होंगे। तो इस तरीके से हम बांधेंगे, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से बांधते हैं, क्योंकि GI गली भी होती है और जब खींचते हैं ना बैंड को फंस जाती है। तो हम अच्छी तरीके से टाइट करके बांधते हैं, खींचते वक्त हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्स्ट्रा काट लेता हूँ ये, अब टेप मार दूंगा अच्छी तरीके से टाइट करके। अब हम क्या करेंगे, सलेंदर भाई से खिंचवाएंगे इसे। जाओ सलेंदर भाई खींचो, हमारे भाई जा रहे हैं इसे खींचने। अब ये खींचेंगे हमारे सलेंदर भाई से। खींचो, देख सकते हो आप ये खींच रहा है। आप हाथ से अपने ऐसे पुश करते रहो, जो बंदे खींचते हो ना प्रॉब्लम ना है, ऐसा आराम आराम से खींचते रहो। खींचो भाई, आराम आराम से पुश करते रहो। खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लंबे रूट में, इस वजह से थोड़ा टाइट भी खिंचता है, कोई आराम से खिंच जाता, मगर आराम से खींचें तो खिंच जाएगा आपका अच्छी तरीके से। देख सकते हो आप किस तरीके से खिंच रहा है। देखो मंडल में से वायर निकल रहा और ये पूरा खिंचता जा रहा है। इस तरीके से खींचते हैं, वाला रूम है हमारा सामने वाला जिसमें से वो खींच रहे हैं, और ये आपका खिंच रहा है वायर पूरा का पूरा। आ जाए तो भाई बता देना। इस तरीके से मैं छोड़ के चले आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, उलझ जाएगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। सलेंदर भाई कैसे खींच रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे भाई खींचने में लग रहे हैं वायर को, इस तरीके से खींच नहीं रहा ये, कहीं उलझ गया, मैं जाके देखता हूँ। चलो भाई चलो, रिटर्न लूँ थोड़ा थोड़ा रिटर्न ले लूँ क्या? जब थोड़ा सा फंस जाए तो आप अपना थोड़ा सा वायर रिटर्न ले ले करो। जब आगे नहीं खींचता ना, थोड़ा सा रिटर्न ले लोगे ना आप तो खिंच जाता है। तो जब ना खींचे तो आप हल्का सा रिटर्न ले लो, फिर उसके बाद खिंच पाए तो खिंच जाता है। खिंच गया, देखो आप झटका लगा एक खिंच गया, निकल गया क्या? आ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ बाहर आ गया है आपका। खींच लो नीचे तक। अब ये वायर आपका कहाँ निकला, अभी निकलने वाला है, ये आ गया आपका वायर, आपका आ गया ये। अब इस वायर को हम जो खींचेंगे, ये कहाँ तक खींचेंगे, हम नीचे बक्से तक खींचेंगे। जो हमारा एसी का बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है 4 मॉडल का, हम इसे यहाँ तक खींचेंगे। ये हमने खींच लिया यहाँ तक, इस तरीके से खींच लिया। अब इसे डालेंगे हम एक बार और। अब हमने एक वायर और ले लिया ब्लू वायर, इसका आउटडोर के लिए, मतलब स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। वहाँ सॉकेट लगेगा इसका बाहर और यहाँ लगेगा इसका स्विच, तो उसके लिए हमने एक वायर और एक्स्ट्रा ले लिया। ये हमारा डायरेक्ट आएगा नीचे और बाहर सॉकेट का जो वायर है सॉकेट के लिए हमने ले लिया है, जो हमारा है वो भी नीचे ही आएगा। इस तरीके से एक वायर और एक कर लें, और इसका रूट जो है रूट इसमें से ही जा रहा है बाहर। आपको दिख रहा होगा दो पाइप हैं, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब हमारे सिलेंडर भाई डालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वायर आपका, यहाँ से आएगा ऊपर से, यहाँ से आएगा इसका रूट इस तरीके से। सिलेंडर भाई हमारे डाल लें, ये ऊपर से आया, नीचे एक और पाइप जा रहा है जो हमारा नीचे जा रहा है, नीचे वाले बॉक्स में। मैंने आपको दिखाया था
इस तरीके से डाल लें। अब ये नहीं जा रहा तो इसमें स्टील डाल लें। स्टील आपकी एरी, स्टील वायर, स्टील वायर डाल लें जब ये नहीं जा रही आपकी। ऐसे पुश कर लें आगे को ढक्का देके। अब मैं दिखा देता हूँ स्टील वायर वहाँ निकल गई होगी। निकल गई? हाँ, स्टील वायर देख सकते हो आप निकल गई है। अब इसे फंसा दे अच्छी तरीके से, जो ये निकलेगी ना अच्छी तरीके से फंसा दे ना, खुलेगा। अब हमारे सिलेंडर भाई खींचेंगे, इस तरीके से फंसा दें। एक सेकंड, चलो 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 चलो, आ गया, बांध दो जितना चाहिए, हो गया, काट दो काट लो। इस तरीके से निकल गया, आप देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ बाहर, ये आपके आ गए, एक नीला आ गया, एक लाल और एक काला और हरा। काला आपको न्यूट्रल और लाल आपका हो गया मेन एमसीबी बॉक्स से, हरा आपकी अर्थिंग हो गई और नीला जो आपका बाहर सॉकेट लगेगा उसका हो गया। इस तरीके से बांध लिया इन्होंने, इधर से ही आ जाओ। अब क्या करना है, हमें ये जो लाल वाला है ये हमें बिठा देना है क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है हमारे पास, तो ये आपका बैठ जाएगा। और ये जो काले हरे खींचना है और यहीं पे लुक बना देना इसका इस तरीके से, और लुक बना के ग्लास से काट के नीला वाला ब्लू और ऐसा बांध देना है क्योंकि यहाँ पे ऐसे बंद गया। अब हमारे सिलेंडर भाई जाएंगे रेड वाला एमसीबी बॉक्स पे खींच लेंगे। ये एमसीबी बॉक्स पे खींचेंगे, खींचो भाई, रेड रेड वाला खींच लो, खींचो, खींच गया आपका। इस तरीके से बिठा लें बॉक्स में, ये हो गया। अब एमसीबी बॉक्स पे मैं दिखा देता हूँ आपका, ये वाला रूट हो गया क्लियर। क्यों, ये काट दो इतना, थोड़ा नीचे यहाँ काट दो, हाँ काट दो, अब डल गया तो काट दो, इस तरीके से इतना काटते हैं, एक एक करके काट दो, ये भी काट दो और गांठ मार दो। इस तरीके से इतना बड़ा सा काट के एमसीबी बॉक्स पे थोड़ा बड़ा ही वायर काटे जो डी ड्रेसिंग में बाद में दिक्कत ना है। इस तरीके से कट गया, ये आपका एसी का रूट हो गया क्लियर, इसका पॉइंट डल गया। अब चलते हैं हम अगले रूट पे, जो हमारा अगला है गीजर। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, पावर के खींच लेने हैं। ये आपका गीजर है, गीजर इसमें आपको दो जीआई दिख रही होंगी, या जीना लगा हुआ है, दो जीआई आपको दिख रही है, नहीं दिख रही तो दिखवा देता हूँ मैं भी। आपके बाथरूम में दो पाइप दिख रहे हैं आपको, दो जीआई दिख रही हैं, दो में से एक हिलाओगे तो फैन में हिलेगी, जो इस बाथरूम का सर्किट जाएगा इससे हिलाना भाई, देख रहे हो आप, हिली है। अब दूसरी लाएंगे, ये डीबी पे हिलेगी, ये डीबी पे इसलिए हिलेगी क्योंकि पावर का जो सर्किट है गीजर का वो डायरेक्ट आएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, हिलाना भाई, देख रहे हो आप, बस भाई ये आपका डायरेक्ट वहाँ से हिल रहा है, ये वाला। इसे ऊपर कर देता हूँ मैं निशानी के लिए, आ जाओ भाई आ जाओ। तो इसमें हम बांधेंगे वायर, अब इसमें कौन सा वायर बांधेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो गीजर का पॉइंट डालना है, उसके लिए हमने रेड 4 का
ब्लेक 4 का और ढाई का हमारा हाथ है। इस तरीके से छील ले रहे, छील कर बांधने का तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आप लपेट कर इसको टाइट से लपेट कर अच्छी तरीके से, जब खुले नहीं रूट में हमारा दिक्कत ना आए खिंचने में। और जो एक्स्ट्रा चाहिए इसे हम लपेट देते हैं वायर पर ही, जो और मजबूती से हमारा वायर को पकड़ ले हमारी जी आई, जिसे फिक्स वायर भी कहते हैं और जी आई भी कहते हैं। प्लस से बाद हमारा, अब इसमें क्या करेंगे टेप मार लेंगे जो हमारा और मजबूत हो जाए वायर, छूटे ना, बीच में टूट जाए उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, मगर हम जो चीज़ हम कर रहे हैं स्टेप वो चीज़ को मजबूती से कर रहे हैं जो हमारा रूट पे ही निकल जाए, हमारे पॉइंट पे निकल जाए। इस तरीके से अब हमारे शैलेंद्र भाई जाएंगे और खींचेंगे इसे। ये थ्री फेस की हो रही है और आप सोचोगे कि एक ही वायर डाल लो सिंगल लेट, तो थ्री फेस जो आपका कन्वर्ट होता है आपका डीबी में आगे कन्वर्ट होता है। खींचो भाई, देख रहे हो आप खींच रहे हैं हमारे सिलेंडर भाई। अब ऐसे पुश करते रहो आप अपने हाथ को, जो खींचता है फिर उसके लिए आसानी रहती है, आराम से खींचता रहता है वायर। इस तरीके से पुश करते रहोगे ना तो आराम से वायर खींचता रहता है, वो खींचते रहते हैं। रुको, और ये उलझेगा तो थोड़ा सुलझा लो। चलो भाई, इस तरीके से आपका वायर खिंचता रहेगा, इस तरीके से सारा वायर खिंचवा दें आप, देख सकते हो आप। ठीक है, अब वहाँ पे हमारा वायर निकल गया, फ्लेक्सिबल उठा लेते हैं और फ्लेक्सिबल ले लेते हैं, और हमारा यहाँ से लेकर और ये हमारा गीजर का पॉइंट है यहाँ तक पूरा फ्लेक्सिबल नापेंगे और डाल देंगे, वायर भी हम इतना खींच लेंगे। लो भाई, ये हमारा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पाइप है, तो फ्लेक्सिबल को ऐसे ले लेंगे। ये हमारा गीजर का पॉइंट है, यहाँ से लेकर गीजर का पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे, इस तरीके से नाप लेंगे, काट लेंगे इसे, तोड़ लेंगे मतलब काट लेंगे जो भी है, और इस वायर को इतना खींच लेंगे जो हमारा यहाँ तक आ जाए, आ जाएगा लगभग, जो ज़्यादा बैठेगा हमारा रिटर्न चले जाएगा। इसे फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल के अंदर डालेंगे, इस तरीके से आपका वायर निकल गया है। जी आई हम काट देंगे और इतना रख लेंगे जितना हमारा स्विच बोर्ड इसमें लग जाए, बांध के ऐसे ऐसे कर देंगे, और ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वायर है इतना लटक रहा है ये हमारा रिटर्न चले जाएगा। खींचो, ये आपका गीजर का भी हो गया और आपका एसी का भी हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों खींच लिए और दोनों को बराबर हमने काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूम की लूपिंग करेंगे, ये आपके जो बोर्ड है मेन मेन ये लूपिंग करेंगे। गीजर का मैं दिखा देता हूँ, एसी का आपका ये हो गया जो डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से आया है ये वाला, और गीजर का, ये दोनों पावर के होते हैं इसलिए डायरेक्ट आते हैं, इनका रूट डायरेक्ट डाला जाता है। अब हम इस पूरे रूम की लूपिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे, किस तरीके से करते हैं देखते हैं। अब हम करेंगे इसकी लूपिंग, जब तक वो वायर ला रहे हैं बक्से और फैन को सफा कर रहे हैं, जब तक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ दोबारा से। एक तरीके ये स्विमिंग पूल मेरे को बहुत सही लग रहा है, मतलब इसमें फ्लैट जो बने हुए ना बड़े सही बने हुए हैं मस्त तरीके से,
मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, फ्लैट में जहाँ भी आप फ्लैट में काम करो ना, सेम चीज़ें रहती हैं, सेम लोकेशन, सेम चीज़, मतलब पॉइंट सेम, एसी का वहीं आपका नीचे मिलेगा, फोर मॉडल का गीजर का वैसे ही मिलेगा, हर चीज़ टोटल सेम होती है, बस हाइट ऊपर नीचे या एक आध बक्सा कम ज़्यादा हो जाता है बस, बाकी सब पॉइंट वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये वायर है हमारे जो इसमें डलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, इसके रेट दिखा देता हूँ, 5000, ये भी 5000, लगभग 6000 का, 900 रुपये और भी है इस तरीके से, ये 3000 का आपका, ये हमारे इसमें डालेंगे पूरे में। ये चार वायर हैं, ये आपका 1.5 mm का रेड, ब्लैक भी 1.5 mm का, ये 1 mm का, और अर्थिंग के लिए भी 1 mm का। ये किस तरीके से डल लें मैं बता देता हूँ, ये हम डाल लें लाइट के पॉइंट के लिए, जो लाइट का पॉइंट है आप देख सकते हो, वो लाइट का पॉइंट है, और ये आपका रेड जो डल रहा है, ये आपका सर्किट बोर्ड का, जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्ट होता है वो सर्किट बोर्ड आपका वहाँ पर है। अब हम डालते हैं इसे, किस तरीके से डालते हैं जब आपको समझा देता हूँ मैं। ऐसे वायर लेने में, वायर लेना आपको ऐसा इस तरीके से छील देना प्लास से, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर घोड़े पे चढ़ना, चढ़ना रोड देखना, सामने आपको दिख रही होगी जय इंडिया, जय इंडिया देख सकते हो आप, मैं यहाँ से ला रहा हूँ उधर जय इंडिया, उसी में बांध देना आपको इसे, बांधने का तरीका आपका वही रहेगा जो मैंने आपका एनसीबी बॉक्स में बताया था, इस तरीके से बांध दो और आपको इसी तरीके से लपेट देना है इसे, एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा काट देना, एक्स्ट्रा काट के अब अपने भाई से कहना खींचना। चार वायर मैंने बांध दिए हैं इस तरीके से, अब हमारे सलेंदर भाई से खींच रहे हैं, खींचो सलेंदर भाई, प्लास लगा लो, टूट गया है, गल जाता है जीआई तो टूट जाता है, तो वो टूट गया, अब दोबारा थोड़ा सा बचा था, वो खींच रहे हैं, चलो भाई खींचो आराम आराम से। नीचे से आपने जैक्सन निकाला, नीचे रूट है इसमें, देखो आप निकल गया वहाँ पे और यहाँ से चले गया, अब इसे खींच लेना है कहाँ तक, यहाँ पे जो बॉक्स है आपका थ्री मॉडल का वहाँ तक, बस खोलो नीचे का रूट, खोलो इसका। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, ये जो रूट मिलाया है ये इस तरीके से मिलाया है, ऐसे नीचे आ रहा है ऐसे दीवार पे, आपको दूर से समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो रूट मिला है ये ऐसे मिला है इस तरीके से, फिर यूँ, अगर ये यूँ मिला रहता है ऐसे ऊपर को, मतलब आपका बैंड इस तरीके से ऊपर लगा रहता या इस तरीके से नीचे नहीं लगा रहता, नीचे बैंड आपको कम से कम लगाना चाहिए, क्योंकि नीचे ना उसमें फंस जाता है वो बैंड, लगभग ज़्यादातर फंसता ही है, ऊपर जो बैंड लगा रहता है ना, अगर ये यूँ करके यूँ होता ना तो बहुत आसानी होती वायर खींचने में हमें। अब ये नीचे आ रहा है, अब इसमें ना मसाला, पत्थर, कंकड़, जब हम बॉक्स सफ़ा करते हैं या जैक्सन जैसे सफ़ा कर रहे हैं तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे जाकर फंस जाती है बैंड पे, तो वो चीज़ बड़ी दिक्कत आती है फिर डालने में। अब जैसे हमारे भाई क्लियर कर रहे हैं इसे, इसके नीचे रूट है क्या इस बॉक्स के लिए, खोलो मिल गया, खोलो नीचे मारो, इसमें एक और पाइप जा रहा है नीचे, जो नीचे जो जा रहा है वो उस वहाँ पे जा रहा है, अब वो कैसे डालना है मैं बता देता हूँ। अब हमारे सलेंदर भाई डाल लें इसे, अब इसमें से हम चार वायर हैं, इसमें से हम एक वायर काट लेंगे पहले, जो इस लाइट का हाफ होगा जिसे हाफ कहते हैं, ब्लू हम हाफ डाल लें तो ब्लू को हम काट लेते हैं इसी पॉइंट पे, एक्स्ट्रा जो होगा वो खिंच जाएगा बाद में। अब इस तरीके से कुंदा बना लें, मतलब मोड़ लें, जब भी जाता है बनना नहीं जाएगा, और सलेंदर भाई डालो फटाफट। अब स्टील पड़ गई है छोटी, मतलब हमारी जीआई छोटी पड़ गई, हम स्टील वायर को डालेंगे, स्टील वायर डालेंगे इस रूट में, डाल रहा हूँ मैं स्टील, इस तरीके से डाल लें और स्टील वायर को घुमा लें,
आ गई, फंस गई। देख सकते हो आप इस तरीके से फंस गई है, आ गई आपकी, ये बाहर इसमें निकल आएगा। इससे काट ले रहे हैं, काट लो। रेड ब्लैक, रेड आपका 1.5, ये भी 1.5, ये 1 mm का है, यहाँ से छोड़ दो। साइज से कोई मैटर नहीं पड़ता, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से डलता है। अब एक्स्ट्रा जो आ रहा है, जो नीचे एक्स्ट्रा है, खींच लो, उधर बैठा दो सही तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। चलो भाई, क्या करना अब हमें, वहाँ से रेट जो वायर है, रेट का कोई काम नहीं है वहाँ पे, बिठा दो, क्योंकि रेट जो वायर हमारा नीचे सर्किट में मिला है। और ग्रीन, ग्रीन हम स्विच, खाली स्विच बोर्ड पे मिला रहे हैं ग्रीन, और कहीं मिक्स नहीं कर रहे, तो ग्रीन भी हटा दो। अब ब्लू और ब्लैक वहाँ मिलेगा, ब्लू आपका न्यूट्रल हो गया, और ब्लैक आपका न्यूट्रल हो गया, और ब्लू आपका हाफ हो गया लाइट का। तो इस तरीके से दोनों को बांध देंगे हमारे सिलेंडर भाई। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, ब्लैक और ग्रीन, न्यूट्रल और अर्थ हमें कट कर देना यहीं पर ही, कट करके छोड़ दो। हमारा रेड और ब्लू बचा ही, हमें क्या करना है, इसका बताता हूँ, इसका भी क्या करना है हमें। इसे नाप लगा लेना है, इसका किस तरीके से नाप लगाएंगे मैं बता देता हूँ। ये स्विच बोर्ड का रूट जिस तरीके से जा रहा है, इसका रूट जो जा रहा है हमारा ऐसे करके सीधा इस पर निकल रहा है, बैंड इसका पीछे की साइड है। तो मैं आपको बैंड दिखाऊंगा, नैप लगाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सिलेंडर भाई भरना बहुत टाइट है, एक बार दोनों को बदल लो टाइट करके, सही से दिखाना, बिल्कुल बोर्ड की हाइट पे इसे पकड़ लें और इस तरीके से नाप लगा लें। ये पीछे की साइड से बैंड आ रहा है इसका, इसलिए हम एक्स्ट्रा नाप लेंगे, कम से कम इतना एक्स्ट्रा नाप लें। थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, मगर छोटा हो जाएगा तो दिक्कत आती है। एक्स्ट्रा नाप लगा के कट कर लें इस तरीके से। अभी आपका नाप होगा इसी तरीके से, आपका रूट डलेगा अंदर। एक ये इस वॉल पे दो पॉइंट थे आपके, दोनों क्लियर हो गए, ये आपका इसका भी हो गया, और इस बॉक्स का सर्किट भी आ गया, और ये आपका जो है टेलीफोन की वायर के लिए GI डली भी है। इसका रूट सेफ रेट है, डायरेक्ट है, उसका अलग से खींचेगा, वो भी हम खींचेंगे, बता देंगे आपको जब खींचेंगे। पकड़ो भाई फोन। अब सामने वाली बोल पे खींचे हम, इस पे भी आपको दिख रहा होगा, एक ये आपका जो टीवी का है, और ये आपका डिस्क की केबल के लिए है, 2 मॉडल का, ये आपका 6 मॉडल का, जिसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट लगेंगे टीवी के लिए, और आपका एक जैक्सन है लाइट के लिए, एसी का हमने ठीक किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बॉक्स के लिए 1 mm की अर्थिंग, न्यूट्रल ब्लैक 1.5 का, और लाइट पॉइंट के लिए हम लेंगे अपना ब्लू और रेड वायर, हमने ले लिए तीनों, चारों वायर ले लिए हमने, चारों को छीन लेंगे, छीनने की कोशिश लेंगे। इस पर वीडियो भी बना रखी है मैंने, आप देख सकते हो जाते हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, इसे हिलाना है, आपका बॉक्स में हिला, देखो बॉक्स में हिला, बॉक्स में हिला है, इसे बांध देना है, उसी तरीके से बांधना जिस तरीके से हम बांधते हैं, और जेल पेड़ बांध के जल्दी से बांध के हम सिलेंडर भाई से कहेंगे, सिलेंडर भाई खींचो, हमारा रूप बंद गया है। सिलेंडर भाई हमारे खींचेंगे इस तरीके से,
आपका रूट निकल गया। अब शैलेंद्र भाई क्या करेंगे हमारा? हमारे शैलेंद्र भाई इसमें से इसे काटो, इतना काट के कुंदा बना लेंगे। और इसमें पहले रेड और अर्थ काट देंगे, क्योंकि रेड हमारा बॉक्स के लिए है और अर्थिंग हमारे बॉक्स पे ही जा रही है। और ये एक्स्ट्रा खींच लेंगे थोड़ा सा। और ये रूट हमारा जा रहा है यूं करके, इस जैक्सन का यहाँ से यूं, तो इस जैक्सन में डाल देंगे। हमारा जैसा रूट जाता है इसी तरीके से हमें डालना पड़ता है। रूट इसका ऊपर से नीचे आता तो ऊपर से नीचे डालते हम, नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर हम डाल लें। इसी तरीके से डाल लेंगे हमारे भाई, डाल लें। और ये आपको जो जीआई दिख रही है इसमें, ये है हमारी डिस्क के लिए जो इस बॉक्स में आएगी। मैंने बताई थी इसका सेफरेट रूट होता है, तो वही सेफरेट आ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट उसमें डल जाएगी। डालो भाई, ये आपका आ चुका है यहाँ पे लाइट के पॉइंट पे। इसे काट लेंगे और काट के बांध देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा रिटर्न कर लेंगे। एक्स्ट्रा खींच लो, एक्स्ट्रा खींच लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू वायर को बॉक्स में हम बिठा देंगे। थोड़ा साइड होना भाई, ब्लू वायर का हमारा कोई काम नहीं है, ब्लू वायर का वहाँ तो बिठा देंगे। अब मैं न्यूट्रल और अर्थ और रेड वायर बांधेंगे। न्यूट्रल ब्लैक खींचूं भाई, और ठीक है बांध दीजिए। न्यूट्रल अर्थ और रेड, ग्रीन ब्लैक और रेड आपका हमारा यहाँ बंद गया, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से छोड़ दें, पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। हमारा ये भी क्लियर हो गया, इसका हाफ आ गया, ये भी क्लियर हो गया, ये जैक्सन भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जो मैंने बताया था, प्ले और हम ग्रीन लेंगे, न्यूट्रल और अर्थ को हम कट कर देंगे इसी साइज का सेम। और जो हमने स्विच बोर्ड के लिए नाप जो लगाया था उसी नाप का इन्हें नापेंगे, इस तरीके से नापते हैं। और जहाँ पे ये आ रहे हैं उसी तरीके से इन्हें कट कर देंगे इस तरीके साइज का। ये चारों वायर हमारे एक साइज के हो गए, जो हमारे स्विच बोर्ड में जाएंगे, मेन स्विच बोर्ड पे। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लू लेंगे और 1 mm का हम ब्लैक लेंगे, 1.5 mm का जो हम डाल लेते हैं, हम स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड सर्किट डाल लेते हैं। और पॉइंट के हमारे 1 mm पे डल रहे हैं, लाइट पॉइंट के लिए, फैन पॉइंट के लिए हमारा 1 mm का। तो इसमें अर्थिंग हम नहीं डाल रहे हैं, कहीं कहीं अर्थिंग हर पॉइंट पे जाती है, इसमें अर्थिंग नहीं डाल रही, क्योंकि इसमें अर्थिंग की मना करी गई है। तो ये हम बालकनी के लिए डाल रहे हैं, बालकनी पॉइंट के लिए। अब इस तरीके से कर लेंगे, बालकनी का रूट आपका ये है, तो मैं बांध देता हूँ इसी तरीके से। बांध दिया मैंने, अब हमारे शैलेंद्र भाई जाएंगे और बालकनी पे खींचेंगे। ये मैंने बांध दिया, फैन से आपको सारे रूट क्लियर दिखते हैं, तो फैन से ही हम वायरिंग को शुरू करते हैं। फैन हमारा मेन होता है, यहीं से सारा रूट बटा हुआ होता है और यहीं से मेन होता है। हमारे शैलेंद्र भाई बालकनी पर चढ़ चुके हैं और खींचेंगे। ये देखो आप, बालकनी में हमारा शैलेंद्र भाई खींच रहे हैं, ये देखिए। मैं आपको दिखा देता हूँ बालकनी में भी, इस तरीके से निकल गया। अब इसे बांध देंगे हमारे शैलेंद्र भाई, लाइट जितने में कनेक्ट हो जाए उस हिसाब से बांध देंगे। एक्स्ट्रा जो भी है मैं रिटर्न ले लूँगा, ये एक्स्ट्रा रिटर्न ले लिया। आ जाओ भाई, एक्स्ट्रा रिटर्न हो गया। अब हमें वही काम करना है जो हम कर रहे हैं शुरू से, न्यूट्रल को हम कट कर देंगे साइज का इस तरीके से। न्यूट्रल आपका ये रहा, इसे कट कर देंगे। लो भाई पकड़ना ज़रा,
न्यूटन हमारा कट हो गया और आपका हाफ का जो वायर है, हाफ जिसे हम लाइट का पॉइंट स्विच पे जो चलेगी लाइट हमारी, जिसे हम मेन स्विच बोर्ड तक नाप लेंगे इस तरीके से। ये हमारे सारे मेन स्विच बोर्ड तक नाप लेंगे, इन्हीं हाइट का, इन्हीं साइज का इसे इसे नाप लेंगे इस तरीके से। सबको इस तरीके से नाप लेंगे, साइज का हो जाए कट कर देंगे। हमारा क्लियर हो गई, बालकनी क्लियर हो गई, इस रूम के स्विच बोर्ड क्लियर हो गए। अब हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया बाथरूम का स्विच बोर्ड का सर्किट, क्योंकि बाथरूम में जो लाइटें चलेंगी या स्विच बोर्ड में जो लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारी यहाँ से। उसे के लिए हम वायर ले लेते हैं रेड 1.5 mm का 1.5 ब्लैक 1.5 mm का, ये ब्लैक 1.5 mm का और हमारे रखते हैं 1 mm, ये भी 1 mm। वही प्रोसेस है, छीलेंगे सेम प्रोसेस है आपको हम आराम से समझा रहा हूँ ना हर एक चीज, वरना ये बहुत जल्दी जल्दी करने में लगते हैं। इस तरीके से कर लो, उसी तरीके से इसे बांध लो, बांधूंगा बाथरूम में। मैंने आपको 2 GI दिखाई थी, उसमें से एक फैन में जो मिली थी वो यही वाली GI है। अब हमारे शैलेंद्र भाई इसे बाथरूम में हमारे शैलेंद्र भाई ठीक है, खींचो भाई। ये देखो आप बाथरूम में जाने को जा रही है हमारा रूट। बाथरूम में शैलेंद्र भाई ने खींच लिया। अब इसे हमें कहाँ तक नाप लेना है, यहाँ तक। ये हमारा मेन बोर्ड है बाथरूम का, इसे यहाँ तक नाप लेना है। एक सेकंड, ऐसे नाप लो। एक्स्ट्रा ये जो आ रहा है मैं रिटर्न ले लेता हूँ इसे। ठीक है भाई, अब हमें ये वाले वायर के साथ भी वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। अर्थू और न्यूट्रल को हमें कट कर देना है इस तरीके से, कट कर दिया। अब बचा हमारा रेड वायर में सबका साइज का नाप लेना। ये हमारा साइज हो गया और इसे हम काट देना इस तरीके से। उसमें देखो फोन में कितना सी इधर की साइड आ जाओ। अब हमारे वायर देखते हैं गिनते कितने हो गए। ये जो वायर हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वायर हो गए हमारे। इस दीवार पे गिनते हैं बोल पे 1, 2। इस बोल पे गिनते हैं 3, 4। एक हमारी बालकनी 5 और एक हमने बाथरूम का स्विच बोर्ड का डाला है सर्किट 6। 6 हमारे वायर है। अब हम इन वायर को क्या करेंगे, छीलेंगे। छीलने का प्रोसेस आपका वही है, हमने छील दिया। अब ये वायर हमने एक्स्ट्रा जो लिए हैं किस लिए लिए, ये हमारा फैन के लिए है जिससे फैन चलेगा। फैन का हम येल्लो डाल लें तो हमने येल्लो ले लिया। ये सिस्टम न्यूट्रल है, जितने भी हमने न्यूट्रल यहाँ कट करें वो सारे इसमें कनेक्ट होंगे। और ये हमारा सिस्टम अर्थ है, जितने भी हमने अर्थिंग यहाँ कनेक्ट कट करी है ये सारी इसमें कनेक्ट होगी। तो 3 वायर हमने एक्स्ट्रा ले लिए इस तरीके से। हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है जो होता है। 6 ये वायर और 3 ये है, टोटल 9 वायर हो गए हमारे। इन्हें सही से करके
और बांध लेंगे अच्छी तरीके से जो हमारे किस्त को खुले रहेंगे। अच्छी तरीके से बांध दिया। चलो सलेंद्र भाई, अब हमारे सलेंद्र भाई खींचेंगे। खींचने का मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। इसका जो डाउन गिरा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, ये वो GI है हमारी। यहाँ से आपको बैंड दिख रहे हैं, तो इसमें से ये स्विच बोर्ड में जाएंगे। डालते वक्त मैं दिखा दूंगा। अब हमारे भाई इसे खींचेंगे सलेंद्र भाई, और यहाँ से हमारे वायर खींचेंगे। एक सेकंड रुक जाना भाई। चलो भाई, भाई हमारे खींचेंगे, देख सकते हो आप खींच रहे हैं। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए सही। एक सेकंड भाई, फंस जाते हैं ये, तो इन्हें निकाल लें। चलो एक सेकंड, चलो चलो आराम आराम से खिंचवा लें। खींचो खींचो खींचो, रुको, जितने भी उलझ रहे हैं ये सारे खींच लो। एक मिनट रुक जाना। ब्लीक न्यूट्रल, चलो चलो रुको, चलो बस, देखो आप ठीक है। अभी हमारे हो गए ठीक है इतने। अब हम क्या करेंगे, जीना लिया यहाँ पे लगा लो, इतना काट टुकड़ा फ्लेक्सिबल लगा लेंगे हम, जितना हमारे टूट रहा है फ्लेक्सिबल लगा के। हमारे सलेंद्र भाई फ्लेक्सिबल लगा रहे हैं इस तरीके से। हम रूट पे डिपेंड रहते हैं, रूट हमारा जैसा होता है इस तरीके से ही हम काम करते हैं। तो फ्लेक्सिबल डाल लिया हमारे भाई ने। अब इस ये पाइप जो जा रहे हैं आपको, एक सेकंड रखना, इसमें दो आपको नीचे जा रहे हैं, तो इस वाले में हम डाल देंगे। ये वाला मैं बताऊंगा अभी किस लिए खाली है और कहाँ से डलेगा। इसमें मैंने स्टील डाली थी अभी, इसमें GI जो थी टूट गई थी, तो मैंने स्टील डाल दी थी पहले ही, तो मैं बताऊंगा ये किस चीज़ का अभी बताऊंगा। तो फ्लेक्सिबल डाला हमारे सलेंद्र भाई ने। अब नीचे डाल दो भाई सारे पाइप और सारे वायर। अब हमारे वायर नीचे डालेंगे भाई हमारे, और ये हमारा इस रूम का स्विच बोर्ड है जो हमारा डोर से जस्ट बगल में आता है। हर जगह डोर से जस्ट बगल में हमारा स्विच बोर्ड आता है। इसमें दो पाइप दिख रहे हैं आपको, एक दो, दो ही वहाँ पे थे और दो ही ऊपर थे। अभी ये दो किस चीज़ के मैं दिखाऊंगा। ये आपका आ चुकी है फिक्स वायर, आपके वायर भी आ गए। बैठ गया भाई, आ जाओ। ये हमारे एक्स्ट्रा जो नापे थे हमने, इतने एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो जो हमारे वायर कटे हुए नहीं है, जैसे हमने फैन के काटे नहीं है, तो इन्हें हम खींच लेंगे, थोड़े छोटे कर लेंगे, जितने हमारे स्विच बोर्ड में कनेक्ट हो जाए, जो बड़े हो गए हो गए इस तरीके से। ठीक है भाई, ओके। अब क्या करना है ना, ये सारे वायर को काट लेंगे हम इस तरीके से, और इन्हें ऐसे बांध देंगे। ये हमारे बंद गए, ये आपका फैन का हो गया, सिस्टम न्यूट्रल सिस्टम अर्थ हो गए इसमें। और अब हम आएंगे यहाँ पे इस तरीके से। 9 वायर मैंने गिनवाए थे, मैं आपको गिनवा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा सिस्टम न्यूट्रल है, सिस्टम अर्थ है, फैन का है, और ये हमारे एक उस वाले बॉक्स का है, एक बाथरूम के सर्किट के बॉक्स का है, और एक TV के बॉक्स का है। ये हमारी 3 लाइट हो गई बालकनी की, और 2 लाइट रूम में उस तरीके से। इसमें कट पीट हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से बांध देंगे। जब स्विच प्लेट लगेगी, जब काटा पीटी करेंगे, जो एक्स्ट्रा हो गए कोई बात नहीं। ये हो गया अब हमारा इतना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, रेड ब्लैक और ग्रीन ले आओ, बांधते हैं वहाँ और खींचते हैं। दोबारा हम MCB बॉक्स पर आए, किस लिए आए, जो हमारा बॉक्स है मेन बॉक्स, उसमें सर्किट जो डालेंगे हम MCB बॉक्स से डालेंगे, जो उस बोर्ड को पावर देगा।
मेरे से आज से वायर छीनते नहीं, इसलिए मैं मदद ले लेता हूँ किसी चीज़ की। इस तरीके से वायर को छीन लें और इसमें मैंने स्टील वायर डाल दी थी पहले ही, क्योंकि हमारी जो जीआई थी वो टूट गई थी, गल जाती है, काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाता है, तराई वराई जो होती है उसमें गल जाती है। तो इस तरीके से मैंने फिक्स वायर डाल दी, इसमें पहले स्टील वायर डाल दी थी, फिक्स वायर इसमें गल के टूट गई थी, जब खींच रहे थे टूट गई थी। तो मैं इसे दबा लेंगे और इसमें टेप मार लेंगे। चलो अब हमारे सलेंदर भाई जा रहे हैं, इन्हें खींचेंगे। चलो भाई खींचो फटाफट, देख रहे हो आप खींच रहा है, रेड पर सलेंदर भाई हमारे खींच रहे हैं। इस तरीके से ही खींच लें, ये स्टील वायर हमारी निकल ली है और हमारे भाई खींचने में लग रहे हैं। किस तरीके से हमारा वायर खिंच गया है, आ जाओ इसे पकड़ो। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे पॉइंट दो ऊपर से आ रहे थे और दो ही आ रहे और दो ही नीचे स्विच बोर्ड में, जो दूसरा था वो आपका सर्किट है, सर्किट के लिए छोड़ा गया था। तो मैं डाल लूँ इस तरीके से, देखना भाई निकला नहीं निकला स्विच बोर्ड में, निकल गया है भाई, बांध दो खींच के, एक्स्ट्रा बाप से खिंचवा दूंगा खींच लेंगे। ये आपका सर्किट है, बांध दो। हाँ हाँ हो गया, हो गया, आ गया, आ रहे तो अभी 20 मिनट रुक जाओ। इस तरीके से बांध लेंगे इसे और जितना भी एक्स्ट्रा खींच लेंगे। बस खींचो, हाँ थोड़ा सा खींचिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हाँ बस ये जी हो गया। ये उस रूम का सर्किट हो गया, एमसीबी उस रूम की एमसीबी यहाँ पर बैठेगी, साइज का कट कर दूंगी। क्लियर, आपकी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर तरीके से, शिफ्ट कर लो अगले रूम में भाई। ये हमारा रूम था, फैन का पॉइंट हमने डाल चुके हैं, दोनों लाइट के हमने डाल दिए हैं, ये रूम का इस बोर्ड का भी हमने डाल दिया, एसी का हमने डायरेक्ट खींच लिया था। ये है हमारा सर्किट, ये एमसीबी बॉक्स से हमारा डायरेक्ट आ रहा है, एमसीबी बॉक्स से इसमें पावर आएगी और यहाँ से हमने डाला था उस बोर्ड का, इस बोर्ड का और बाथरूम का सर्किट, उसकी पावर जाएगी इसमें से, इस तरीके से होगा। अब एमसीबी बॉक्स पर चलते हैं, एमसीबी बॉक्स पर कहाँ से पावर आएगी, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, यहाँ पे एमसीबी बैठेगी जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहते हैं। इसमें आपको एक पाइप दिख रहा होगा सबसे मोटा, ये रहा, ये 32 mm का पाइप है, इसमें वायर आएंगे, इसमें जो पावर आएगी यहाँ से आएगी। और ये पाइप कहाँ जा रहा है हमारा, ये आपका टेलीफोन का वायर है, ये वाला, और ये आपका सेटअप बॉक्स वाला, सेटअप बॉक्स के लिए, इसमें आपका टेलीफोन करेगा जो मैंने बताया था जैसे, और इसी में आप देख सकते हो दूसरा पाइप भी जा रहा है जिसमें जी आई आ रही है उससे छोड़ के, ये जो दूसरा पाइप है यहीं से रूट जा रहा है दूसरे रूम में, फर्स्ट रूम सेकंड रूम, वो उसी वॉल पे आ रहा है पीछे, आप देख सकते हो ये आ रहा, तो वो दोनों एक साथ बंधेंगे वहाँ से और खींचेंगे, वो खींचेंगे हम बांधते हैं उसे।
अच्छी तरीके से बांध देना इसे, टेप मार देनी है, टेप मार लेना जो खुले ना ये। इस तरीके से, और अभी ना खिंचवाना है, हमारे भाई खींचने जा रहे हैं, लंबी सी खींचने में लग रहे हैं हमारे भाई। ऐसे पुश करते रहोगे तो खींचने में आसानी पड़ जाती है, आसानी से खींच जाता है। ये कहाँ पे निकली है मैं आपको बता देता हूँ, ये निकाली इन्होंने यहाँ पे, इसे हम ONT कहते हैं, जैसे MCB बॉक्स होता है ACNE का, सबका ONT होता है। ये एक्स्ट्रा नाप लेना भाई, मैं दिखाता हूँ, इसमें अभी ONT लगी भी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी ONT कैसी होती है। थोड़ा सा फालतू खींच लो, यहाँ पे लगेगी ये इस बोल पे, इस तरफ, इसमें लगी भी नहीं है, लगाएंगे इसलिए हम वायर खींच रहे हैं। आ जाओ भाई, अब हमारा ये वायर खींच गया है। शैलेंद्र जी आ जाओ, अब हमें क्या करना है, ये हमारा टेलीफोन का जो वायर है वो हमारा यहीं कट जा रहा है ना भाई। हाँ, इसे ऐसे बांध लेंगे इसी तरीके से, और ये जो आपका है सेटअप बॉक्स वाला, ये आपका नाप लेंगे और रखा होगा वो इतना होगा, फालतू रख लेता हूँ कट जाएगा वो। ये आपका रूट जा रहा है, मैं यहाँ से डालूंगा, ये हमने स्टील डाल ली उधर से, इसी में इसे बांध देंगे। मैं जाके वहां खींच रहा हूं, ये निकल गया आपका, बैठ गया भाई। माँ देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका बैठ गया और ये आपका टेलीफोन का यहाँ पे हो गया। और ये जो आपका आ गया है डिस्क का, ये रहा टीवी का यहाँ लगेगा, ये आपका डिस्क का हो गया, ये एक्स्ट्रा हो रहा, इसे कट कर लेंगे और इसे इस तरीके से बांध लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हर जगह डलेगा, मैं आपको ONT भी दिखा दूंगा अभी। ये आपका TV के लिए, ये डिस्क का मैंने बताया था, जस्ट उसके नीचे ये आपका आ रहा है टेलीफोन का, तो मैंने टेलीफोन का वायर भी बांध दिया और आपका डिस्क का वायर भी बांध दिया सेटअप बॉक्स का। चलो भाई खींचो, अब हमारे भाई इसे खींचेंगे इस तरीके से, किस तरह का इसे आप निकालते रहे, इस तरीके से निकालते रहे, हो जाए तो भाई बता देना। हो गया क्या है, हो गया ठीक है। अब देख सकते हो आप, यहाँ दो हो गए, एक इस रूम के हमने खींच चुके थे टीवी का और टेलीफोन का, और अब इसका ये हो गया डाइनिंग हॉल का, हमने खींच दिया। अब हमें क्या करना है, इसे कट करना है। आ जाना शैलेंद्र भाई, टीवी का आपको टीवी जितना ही छोड़ के डिस्क का आपको इसी बॉक्स में छोड़ देना, और टेलीफोन का टेलीफोन वाले बॉक्स में नीचे वाले में पकड़ना भाई, एक सेकंड। अब हम इसे कट करते हैं, ये आपका टीवी का बॉक्स है टीवी चलाने के लिए, और ये आपका जिस केबल का हो गया
इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से, कट करके ऐसे बांध दें, बाद में इसके स्विच बोर्ड पर कनेक्शन हो जाएंगे और इसी तरीके से आपका हो गया टेलीफोन का, टेलीफोन का बॉक्स नीचे है तो नीचे ही इसे डाल दें। एक पाइप जा रहा है इसी से रूट जा रहा है, आ गया ये, बिठा दें और बांध दें इस तरीके से, ये भी हो गया आपका। इसी तरीके से हर जगह आपको कर लेना, ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा फ्लैट फाइनल हो चुका है। पूरा दिन लग गया इसमें, सुबह 9 बजे लगे थे, 5:20 पे कंप्लीट, A to Z हो गया। कुछ कमी रह गई है, कुछ थोड़ा फोड़ी हमने करी है इसमें, जैक्सन जो ढक दिए तो उन्होंने हमने वो निकाले, सब डाल दिया है, ये आपको दिख रहा होगा, केबल का वायर डाल दिया हमने, ये भी टीवी का भी टेलीफोन का भी कंप्लीट। इस तरीके से थोड़ा फोड़ी कुछ कही है करी गई है, जो वायर नहीं खींचा है या जैक्सन प्लास्टर में ढक दिया है, जैसे ही ढक दिया था निकाला ऐसे खोच के, इस तरीके से ये थोड़ा फोड़ गई है। ओएनटी यहाँ पे अभी लगाई भी गई है, ओएनटी मैं आपको दिखा दूंगा अभी दूसरे फ्लैट में, इसमें ओएनटी नहीं है। ओएनटी कैसे कहते हैं, जैसे हमारा ये रह गया है, इसका डाउन नहीं मिल रहा, एक मिल गया यहाँ पर डायरेक्ट MCB से जो आ रहा है, हमारा सर्किट आ रहा है MCB से वो है, और दूसरा डाउन नहीं मिला है, तो हमने रूट यहाँ का डाल दिया ये जैक्सन का और ये, और स्विच बोर्ड तक नाप के छोड़ दिया, ये जब मिलेगा जब डाल देंगे। बाकी टोटल कंप्लीट हो गया, रूम कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें ये आपका देख सकते हो आप, टेलीफोन का वायर आ गया है, ये आपका आ गया है सेटअप बॉक्स वाला डिस्क का, मैं आपको दिखा देता हूँ ओएनटी किसे कहते हैं, दूसरे फ्लैट में जाता हूँ उसमें ओएनटी लग रही है, और क्या क्या प्रोसेस होता है ओएनटी का वो भी बता देता हूँ मैं आपको। MCB बॉक्स जैसे होता है वैसी ओएनटी होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैं दूसरे फ्लैट में आया हूँ, वो 405 में हम काम कर रहे थे, 402 है, इसमें ओएनटी बॉक्स लग रहा है, उसमें ओएनटी बॉक्स नहीं लगा हुआ था, उसमें लगाएंगे हम अभी, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ ओएनटी बॉक्स, ये रहा बाथरूम के जस्ट ऊपर लग रहा है, ये ज़रूरी नहीं है आपका कि बाथरूम के ऊपर ही लगे, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं इसे। जैसे MCB बॉक्स होता है AC आपके डिस्क के और टेलीफोन के वायर के लिए, जो MCB बॉक्स होता है ना उसे ONT कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता, ONT कहते हैं तो मैं भी ONT कहते हैं, तो मैं भी ONT कहता हूँ। आपको दिख रहे होंगे इसमें दो पाइप खाली हैं, ये खाली किस लिए मैंने आपको बताया था, जैसे DB में पावर आती है इलेक्ट्रिक सापट से, ऐसे ही इलेक्ट्रिक सापट से इसमें डिस्क के और टेलीफोन के वायर आएंगे जो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, और फिर यहीं से ही पूरे घर में जहाँ जहाँ हमने ये डाले हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ चले जाएंगे। जैसे ये रहा आपका, उसी के नीचे आपका टेलीफोन का, इसी तरीके से थोड़ा सा शाम का एरिया है, लाइटिंग थोड़ी ऑन हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग स्विमिंग पूल के जस्ट साइड में, आप देख सकते हो किस तरीके का। अभी थोड़ी और अंधेरा सा होगा ना, जब और सही लगेगा। इस तरीके से ये बच्चों का खेलने का बना रखा है, ये सारे टावर हैं, बंदे रहने आ चुके हैं उसमें, और ये अभी कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें वायरिंग चालू है जिसमें हम वायरिंग कर रहे हैं। इस तरीके का एरिया है आपका स्विमिंग पूल, ये देख सकते हो आप, मैं आपको और दिखा देता हूँ। छुट्टी का टाइम हो गया, तैयार हो गया, हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं छुट्टी के लिए, इस तरफ है वो, देखो आप, ये फाइनल हो जाएगा जब, कितना सही लगेगा ये लाइटिंग जो लग रही है इस तरीके का, जब ये फाइनल हो जाएगा कितना सही लगेगा, इस तरफ से देख सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सारे डोर अभी हम बंद कर देंगे और चलेंगे, ये हमारा बैग है, ये बैग हमारा, बैग को लेते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ करिएगा। ये बाहर का एरिया है इसका,
इस तरीके का, इसमें सब में वायरिंग चल रही है, हम कर रहे हैं अभी, बनना है, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा इस तरीके से ही, जैसे ये एरिया हो रहा है इस तरीके का ये एरिया हो जाएगा ये भी, जहाँ तक का मुझे लगता, मुझे क्या लगता हो ही जाएगा ये इस तरीके से।